अभी लाठी चार्ज का ऑर्डर तूने दिया है खट्टर साहब, सुन ले। अगर ये लाठी चार्ज का ऑर्डर कहीं तुम्हारे ऊपर हमने दे दिया ना, तो ये तुम्हारे जेजेपी वाले बीजेपी वाले मुंह नहीं करेंगे गांव की तरफ। हमारी शराबत का नजायज फायदा मत उठाइए। हम रोक रहे हैं अपने लोगों को, इसलिए रोक रहे हैं कि हम बर्बादी नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन इतने कमजोर मत जानिए, इतने कमजोर मत जानिए देश के किसानों को। हम अपने सबूत दे चुके हैं, सबूत दे चुके हैं, हमारे परिवार सीमा पे लड़ रहे हैं, सबूत दे चुके हैं कि हिंदुस्तान की मिलिट्री आज दुनिया में मानी हुई है। हमारे बच्चे हमारे परिवारों से गए हैं, टाटा बिरला का अंबानी अडानी का कोई बेटा वहां पे नहीं है। इनमें वही खून है जो यहाँ किसान बैठे हैं, जो हमारे सीमा पे जवान है उनमें भी वही खून है। 10 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, 650-700 किसान हमारे शहीद हो गए हैं, कई किसान आत्महत्या कर गए हैं दुखी होके। साथियों, लेकिन सब्र की एक हद होती है, सब्र की एक सीमा होती है। हम इसलिए सोच रहे हैं कि कहीं आंदोलन में उपद्रव ना हो जाए और आंदोलन टूट ना जाए। उपद्रव का आंदोलन टूट जाता है क्योंकि हमारे सामने परमात्मा की और दया आ गई। हम आंदोलन को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चलाना चाहते हैं, आंदोलन में कोई उपद्रव हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उपद्रव के भी नतीजे भुगत चुके हैं, उपद्रव के भी नतीजे भुगत चुके हैं हम। डंडा सोटा बिल्कुल नहीं होना चाहते। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि अगर पुलिस लाठ मारती हम खड़के खाएंगे मारे। क्यों? क्योंकि 1993 में आंदोलन हुआ था, हमारे दो भाई नीसन के अंदर शहीद हुए थे, आंदोलन 1 महीने के अंदर अंदर टूट गया था। सतनाली के अंदर बंसीलाल के टाइम में हमारे 5 भाई शहीद हुए थे, आंदोलन 1 महीने के अंदर टूट गया था। कंडेला गुलकनी के अंदर हमारे 7 भाई शहीद हुए थे, आंदोलन 1 महीने के अंदर अंदर टूट गया था। हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत गुस्सा है हमारे भाइयों में, लठ उठा के जाते हैं, बहुत गुस्सा है, कदर करते हैं, हम सलाम करते हैं आपके क्रोध को और आपके जोश को, लेकिन उसके साथ हमने होश जरूर बना के रखना है, हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन मोदी सरकार इतना कमजोर भी ना समझे, 10 महीने सड़कों पे बैठे को हो गए हैं, साल होने वाला है, कहीं हमें ये फैसला ना लेना पड़े कि अब तो दिल्ली घेराव था, अब मोदी के घर का घेराव होगा। देश का किसान मरने से नहीं डरता है, नहीं डरता है मरने से। ये तो केवल और केवल हमारी जो कमेटी है, जो संयुक्त मोर्चा है, हम भी उसी में शामिल हैं, केवल उसके आदेश की तरफ देख रहा है कि कब वो आदेश दे, कब वो आदेश दे और कब हम दिल्ली को फतेह करें। अभी मोदी जी समझ जाएं, वक्त है, गया वक्त हाथ नहीं आता। अभी तो हमने कुछ भी नहीं मांगा, 3 काले कानून और MSP ही मांग रहे हैं ना,
वो भी सारे देश के लिए, किसान अपने लिए नहीं मांग रहा, सारे देश के लिए मांग रहा है। 12-25 रुपए किलो सेब खरीद रहा है अडानी और 250 रुपए किलो बेच रहा है। हमारी गेहूं 20 रुपए किलो खरीद के 50 रुपए किलो बेचेगा आटा, सारा देश भूखा मरेगा। यही हाल होगा हर चीज का। किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, सबकी लड़ाई है, और हम इस लड़ाई के अंदर सभी भाइयों को साथ जोड़ रहे हैं। हमारे आड़ती भाई धन्यवाद करना चाहेंगे, आज पूरी मंडी के आड़ती इस प्रोग्राम को करवाने में, सफल करवाने में बहुत योगदान कर रहे हैं, सबका धन्यवाद है। पूरा आड़ती वर्ग हरियाणा के अंदर, पूरा आड़ती वर्ग पंजाब के अंदर कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। व्यापारी वर्ग, जो छोटे व्यापारी हैं, वो सारे साथ हैं। क्यों? आगे के लिए जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन सप्लाई है, उससे टोटल बाजार खत्म हो रहा है, टोटल व्यापारी खत्म हो रहा है। हमारे से भी पहले 2024 तक ये ऑनलाइन व्यापार 4 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए वो भी साथ आने को तैयार है। हमारा अनुरोध है देश के सारे व्यापारियों से, अपनी पंचायत करें, अपनी मीटिंग करें, संयुक्त किसान मोर्चे का समर्थन करें, आके सीधे तौर पे समर्थन नहीं, कंधे से कंधा मिला के ऐलान, खड़े होने का ऐलान करें, जैसे आज मजदूरों ने कांता आलड़िया जी ने ऐलान किया है कि देश का मजदूर भी अब किसानों के साथ में खड़ा होगा। हमारे सारे दुकान वाले भाई, वो सारे साथ आने को तैयार हैं। कहीं ये आंदोलन महा आंदोलन ना बन जाए और फिर अभी हमारी वो कलाकार बेटी थी, वो कह रही थी कि चुनाव तक आप क्या आप आंदोलन लड़ने को तैयार हो, और आपने बड़े गर्व से हाथ उठा के कहा कि हाँ तैयार हैं। लेकिन अगर चुनाव तक ही आंदोलन लड़ना पड़ गया, अगर चुनाव तक ही आंदोलन लड़ना पड़ गया, फिर हम इनसे सरकार छीन लेंगे। फिर हम वोट इनको नहीं देंगे, वादा करिए किसानों के फिर हम वोट इनको नहीं देंगे, इन चोरों को नहीं देंगे। क्यों दें हम इनको वोट? आंकड़ा देखिए आप, उत्तर प्रदेश के अंदर हम मिशन उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 करोड़ वोट किसानों की है, किसान परिवारों की, केवल जमीन के मालिकों की 8 करोड़, इतना मजदूर आपके साथ में खड़ा है, और 3.5 करोड़ पे वहां पे सरकार बनती है, 3.5 करोड़ वोट पे 2 सरकारें बनाने की तो आप में क्षमता है, क्यों नहीं बनाते, छीन क्यों नहीं लेते इन लोगों से? पंजाब के अंदर अभी चुनाव है, पंजाब में हम चलाएंगे मिशन पंजाब और छीनेंगे राज इन लोगों से। पंजाब के अंदर 80 से 90 लाख वोट किसानों की है, किसान परिवारों की, जिनके पास जमीन है, और मजदूरों की वोट उनके साथ में है, जो खेती से जुड़े मजदूर हैं वो तो है ही। अभी भाई हमारे सामने आए थे जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, निर्माण करने वाले मजदूर हैं हरियाणा के अंदर, उनकी गिनती 3 लाख है। अभी हमारे भाई स्टेज पे आए थे, हमारा समर्थन करके गए हैं, अगर उनका कोई भाई हो तो वो खड़ा हो जाए। अगर कोई अभी समर्थन करके गए हैं, हमारा वो बेटी साथ में थी। 3 लाख किसान है, 3 लाख मजदूर हैं, अभी आपका समर्थन करके गए हैं आंदोलन का। पंजाब के अंदर सारी जो किसानों की वोट मैंने बताई 80 से 90 लाख है, और मजदूरों की और उनके साथ कितनी है पता नहीं, दुकानदार की कितनी है पता नहीं, लेकिन 59 लाख वोट के ऊपर सरकार बनी हुई है। अरे जितने सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए, उतनी वोट तो आपके घर में पड़ी है,
और अगर आप अपनी सरकार बना लेते हो तो फिर ये हमारी जमीन खोज के कारपोरेट को क्या देंगे, फिर कारपोरेट की प्रॉपर्टी खोज के हम किसानों को दे सकते हैं। और एक हम बात और बता देते हैं, हमारे नोट करें पत्रकार भाई, ये जो देश बिक रहा है ना, ये जो देश बिक रहा है रुपये की चीज चवन्नी में खरीद रहे हैं कारपोरेट वाले, डाका मचा है, हड़प लो, लूट लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, ये जो लूट रहे हैं ना वो सुन ले, आगे के लिए ध्यान से खरीदे, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी, हिंदुस्तान का किसान अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, ये सारी प्रॉपर्टी वापस खरीद के जनता को दे दी जाएगी। इनकी सारी अगर किसानों और मजदूरों का राज आता है ना, इनकी सारी प्रॉपर्टी खरीद के नहीं, इनसे छीन के किसानों और मजदूरों में बांटेंगे। इनके बाप के नहीं है देश, ये हमारे देश को बेच रहे हैं, इनके बाप का नहीं है देश, इन्होंने बढ़ाया नहीं था, आप लोगों ने सिर दिए थे, आप लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस देश को बढ़ाने के लिए, हजारों लोग शहीद हुए थे, एक भी अडानी और अंबानी का बेटा शहीद नहीं हुआ। अरे शर्म है, इस देश का अन्नदाता, इस देश को बनाने वाला, इस देश को आजाद करवाने वाला, इस देश को आजाद रखने वाला, 7.5-8 लाख करोड़ के कर्जे में 4.5 लाख किसान पिछले 20 साल में आत्महत्या कर चुके, मर चुके, 15 लाख करोड़ का एनपीए है, किस टोटल देश के किसानों से 2 गुना पैसा इन्होंने मार लिया और मार के भाग गए, क्यों इनकी प्रॉपर्टी छीन नहीं बनती क्या? जिसने देश का पैसा मार लिया और देश का पैसा मार के इसी देश में उसकी प्रॉपर्टी है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी छीन नहीं लेनी चाहिए? उसकी प्रॉपर्टी छीन के जनता को बांटेंगे? 15 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का मार के हमारे देश को कंगाल बना दिया, रोटी से मोहताज कर दिया है हमें, और एक भी पूंजीपति नहीं मरा, ये चोर और कुत्ती दोनों मिले हुए हैं, सरकार और पूंजीपति दोनों मिले हुए, दोनों ने मिलकर देश को तबाह कर दिया है। साथियों लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई बहुत लंबी है, और इसमें बहुत सिर भी देने पड़ेंगे, बहुत लठ भी खाने पड़ेंगे, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे। बिना कुर्बानियों के कभी देश आजाद नहीं हुआ, और बिना कुर्बानियों के ये आर्थिक आजादी भी आपको मिलेगी नहीं। जब किसी ने 10 महीने में नहीं सुना तो 11वें महीने में कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा पता है हमें। 8 महीने से तो किसी ने बात के लिए नहीं बुलाया, नहीं सुनेंगे। आखिरकार हमें वो फैसला लेना पड़ेगा जिससे फिर सरकार के गले की फांस बन जाए। जो साथियों, इसलिए हमारी आज भी चेतावनी है सरकार से, अभी टाइम है, अभी हम कुछ नहीं मांग रहे, अभी तुम जिंदा रहने के लिए मांग रहे हैं। पांडवों से 5 गांव मांगे थे, 5 गांव मांगे थे लेकिन नहीं दिए, और फिर जब लड़ाई हुई तब क्या हुआ? ना राज रहा ना परिवार रहा। करनाल में हम किसामदे करते रहे, उनकी खुशामदे करते रहे पिछली 3 मीटिंगों में, मान जाइए मान जाइए मान जाइए, और जब ये कहा ठीक है अब लगने दो मोर्चा और देखते हैं हम भी आगे करते हैं कल मीटिंग, और मीटिंग करके फिर सुना लेते हैं फैसला कल गोबरी करके, जितनी मांगे थी उससे भी ज़्यादा, नौकरी मांगी थी एक, मुआवजा मांगा था जितना मांगा उतना ले लिया, नौकरी मांगी थी एक दो ले ली, गाड़ियों टूटी का भी ले लिया, हाई कोर्ट के जज को इंक्वायरी भी दे दी। इसलिए अभी सरकार के पास टाइम है, वरना तो जब ये मेहनत कश इस दुनिया से, ये मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, फिर एक गांव नहीं
एक शहर नहीं, हम पूरा भारत मांगेंगे। अब तो शौके शहादत को क्या कहिए, अब तो शौके शहादत को क्या कहिए। अब किसानों ने हाथों पे सिर ले लिया है, अब तो शौके शहादत को क्या कहिए। अब किसानों ने हाथों पे सिर ले लिया है, अब और कत्ल होने से कब तक डरें, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। साथियों, बहुत सिर फोड़े हैं हमारे खट्टर सरकार ने, बहुत सिर फोड़े हैं, बहुत हड्डियां तोड़ी हैं हमारी, लेकिन किसान बद बद के जाता है कि फिर मारो, दोबारे फिर गया, तीसरे बार फिर गया, चौथे बार फिर गया कि मारो जितनी ताकत है। और क्या बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे सिर तैयार है खट्टर साहब, हमारे शरीर भी तैयार है खट्टर साहब, जितने और लठ मार के देखने हैं देख ले, जितना और जोर लगा के देखना है देख ले, जो और अजमा के देखना है देख ले। बहुत ऑर्डर दिए हैं तूने लाठी चार्ज के, कहते हम तो हल्का लाठी चार्ज करते हैं, कहते हल्का लाठी चार्ज करते हैं, लेकिन हम खट्टर साहब को बता देना चाहते हैं, सराफत का नजायज फायदा मत उठाना, सराफत का नजायज फायदा मत उठाना। हम अपनी मांग मांग रहे हैं, हम कोई देश नहीं मांग रहे, हम कुछ किसी का दूसरे का हिस्सा नहीं मांग रहे, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और केवल जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं, केवल जिंदा रहने का। परमात्मा भी खुश हो गया, बारिश आ गई है, जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं, और जिसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलता ना, जिसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलता, फिर वो हक छीनना भी जानता है, ये भी बता देते हैं साथ में।